जय हिंद। अरे क्या हाल है भाई, एक मर्द के लिए वीर कितना इंपॉर्टेंट और जरूरी होता है ये सभी जानते हैं। तो जो वीरवान है वही बलवान है, तो जौन बंदा वीरवान रहेगा ना वो ऑटोमेटिक फिजिकली मेंटली सेक्सुअली हर जगह तगड़ा और मजबूत रहेगा। लंगोट के ढीले और लंगोट के गीले लोग बलवान नहीं होते, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे हमारे भाई हैं जो वीर को बेवजह बेकार कर रहे हैं, बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप ऐसे गलत जगह गलत तरीके से वीर बेकार और नष्ट कर देंगे ना, डे बाय डे आप देखेंगे आप कमजोर होते जाएंगे, सुस्त होते जाएंगे, ना आपका दिमाग सही काम करेगा, ना आपकी बॉडी सही काम करेगी, ना सेक्सुअली आप स्ट्रांग रह पाए। तो कौन कौन चीज है जिसके वजह से अपने वीर को बेकार कर नष्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं और अपने आप को वीरवान बनाते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स डू इट। ले फिर आ गए। सबसे पहली चीज जिसके वजह से आपका अनजाने में वीर बेकार हो रहा है, वीर नष्ट हो रहा है, वीर आपके बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, आप जान नहीं पा रहे हैं और वो दिन भर सुस्त रहते हैं, कमजोर रहते हैं, थके थके रहते हैं, समझ नहीं पाते हमारे साथ भाई क्या हो रहा है। तो नाम है भैया धात। धात बहुत से लोगों को पड़ती है, धात में आपका वीर ही बाहर निकल जाता है जब आप पेशाब करने जाते हैं ना। कुछ लोग जो पेशाब करते रहते हैं उनके बीच में एकदम सफेद तरीके का निकलता है धात, उसको बोलते हैं सफेद धात। कुछ लोग को पीली धात पड़ती है जब आप पेशाब करते रहते हैं, पीले प्रकार का इसे एकदम पेन टाइप का निकलता है। आप पेशाब करेंगे कुछ देर बाद आप वहां जाएंगे देखेंगे ना वहां चींटी वगैरह लगी रहती है, क्योंकि हमारा वीर वहां पे गिरा रहता है। इतना भी आप खाना खा रहे हैं सब वेस्ट जा रहा है, सब बेकार जा रहा है, आपके बॉडी में ताकत नहीं बन पा रही है। काहे ताकत बनेगी जब वीरवा तुम्हारा पहले ही निकल जा रहा है। अगर आपको ऐसे ही धात की बीमारी पकड़ी रही, धात आपको बढ़ती रही ना, आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी, आप ताकतवर नहीं बन पाओगे, आप कमजोर रहोगे, आपके शरीर पे मांस नहीं चढ़ेगी। धात का सबसे पहला कारण है भैया पेट का ना साफ होना, पेट में गर्मी, पेट में जलन। इसका सबसे बड़ा कारण होता है भैया आपका शौच करने का टाइम फिक्स नहीं है। किसी दिन आप 7 बजे सुबह उठ जाते हो, किसी दिन 9 बजे उठते हो, किसी दिन 10 बजे उठते हो। जब आप टाइम फिक्स नहीं करेंगे साइकिल गड़बड़ हो जाएगी ना, तो आपका पेट सही से नहीं साफ होगा। दूसरी की चीज होती है हमारे डाइट में कुछ ऐसा उबड़ खाबड़ होता है जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना सड़ जाता है, हमें हो जाती है अपच, कब्ज, गैस। अबे मार्केट जाकर जो स्वाद के चक्कर में जब तुम अचड़ा कचड़ा खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, मैदे वाली चीजें, चीनी वाली चीजें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आड़ा बाड़ा पेल दे रहे हो, और क्या होता है कॉन्स्टिपेशन, गैस होता है, अपच होता है, तुम्हारा पेटवा सही से नहीं साफ होता। जब तुम्हारा पेटवा सही से नहीं साफ होगा ना, दबाएगी, जब तुम पेशाब करने जाओगे, ताकत लगाओगे, तुम्हें क्या होगा, धात पड़ने लगेगी। बाहर का ड्रामेबाजी बंद करो, साफ शुद्ध देसी शाकाहारी भोजन करना चालू कर दो, ऑटोमेटिक डे बाय डे जब तुम्हारा पेट साफ होने लगेगा, पेशाब एकदम शुद्ध होने लगेगी, आपको धात भी नहीं पड़ेगी। जब आप फास्ट फूड वगैरह आड़ा बाड़ा आप खा लेते हो ना, धात आपको पड़ने लगता है ना, उसके वजह से आपको पेट में गर्मी हो जाती है। जितना भी आपके पेट में गर्मी बढ़ेगी ना, उतना आपको धात पड़ेगा। तो गर्मी वर्मी मिटाने के लिए खूब दबा के पानी पियो, पानी के साथ साथ दही वगैरह खाओ, जूस वगैरह पियो, ताकि पेट में ठंडाई बनी रहे, गन्ने का जूस पी लिया करो। दूसरा का बहुत ही तगड़ा कारण है जिसकी वजह से बहुत से लोग वीर बर्बाद कर रहे हैं, वीर बेकार कर रहे हैं, बिना मतलब में वीर को इसे नष्ट कर दे रहे हैं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं संतोष भाई हमारा नाइट फॉल हो गया यार, नाइट फॉल बहुत ज्यादा हो गया। नाइट फॉल के जरिए बहुत से लोगों का वीर नष्ट हो रहा है, वीर बेकार हो रहा है। और बहुत से ज्ञानी पहलू लोग कह रहे हैं कि भैया नाइट फॉल नेचुरल है, घंटा नेचुरल है, महीने में एक बार नाइट फॉल होता है तो समझ में आता है नेचुरल है। डेली जिसका नाइट फॉल हो रहा है, कुछ लोग का रात में दो दो बार हो जा रहा है, घंटा नेचुरल है। ई होता है आपकी गंदी सोच के कारण, गंदी सोच वही बंदा ज्यादा करता है। खाली दिमाग शैतान के घर, खाली दिमाग गंदी सोच, खाली दिमाग ठरक मची बा, ठरक मची है, ठरक पूरी नहीं हो पाई, सोए सपने में अंडबंड काम होने लगा, सपने में तुम्हारा वही नेगेटिव सिस्टम चलने लगा, धर से नाइट फॉल हो जाता है। नाइट फॉल अगर आपको होगा तो आपका वीर बहुत ज्यादा नष्ट हो जाएगा, इससे आपकी शरीर नहीं बनेगी, आपकी ताकत नहीं आएगी, तुम्हारा दिमाग सही से नहीं काम करेगा, सुस्त रहोगे, झंड रहोगे, कमजोरी लेके घूमते रहोगे। नाइट फॉल को सही करने का सबसे सही तरीका है कि कुछ काम करो भाई, अपने आपको बिजी रखो, करियर फोकस करो, मेहनत करो, बॉडी पे ध्यान दो। एक होता है गोल, एक होता है गर्ल। जो गोल फोकस करता है वो ताकतवर बनता है, मजबूत बनता है, दिमागदार बनता है, आगे बढ़ता है। एक आदमी है जो हमेशा गर्ल पे फोकस किया हुआ है, उसके अंदर ठरक मचेगी, नेगेटिव थॉट आएगा, और कहा होगा उसका वीर नष्ट होगा, कमजोर हो जाएगा। आज नहीं तो कल जब करियर सेट हो जाएगा तो लड़की अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी, उसके पीछे भागोगे तो सिर्फ नेगेटिव थॉट आएगा, वीर बर्बाद होगा, कुछ कर नहीं पाओगे, एक लंठ और लत्ता बन के रह जाओ। जौन बंदा दिन भर काम किया हुआ, थका हुआ है, मेहनत किया हुआ है, वो लेटेगा तुरंत उसको नींद आ जाएगी, उसके दिमाग में अंडमंड नहीं चलेगा, उसका सपना आएगा ना करियर से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। जो बंदा दिन भर नेगेटिव थॉट रखा हुआ है, अंडमंड सोचा हुआ है, ठरक पना सोचा हुआ है, वो लेटेगा उसके दिमाग में नेगेटिविटी आएगी, अंडमंड आएगा, गर्लबाजी वाला सिस्टम आएगा, उसको नाइट फॉल हो जाएगा। तीसरा का सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से लोग जानबूझ के अपना वीर नष्ट कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, और जानबूझ के अपने आप को कमजोर और लत्ता बनाए रहे हैं, उसका नाम भैया मुट्ठबाजी और मास्टरबेशन। अगर आप भैया हस्त मैथुन करोगे ना, जब इसकी लत पड़ जाएगी ना, आप कमजोर हो जाओगे, आपका दिमाग सही नहीं काम करेगा, आप सुस्त रहोगे, झंड रहोगे, ताकतवर नहीं बन पाओगे, और सेक्सुअली भी बहुत कमजोर हो जाओगे, और डे बाय डे नपुंसक और लत्ता बन जाओगे। अरे भाई एक बात बताओ, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, कुछ लोग जीरो से हीरो बन गए, तुम साले बे मुठिया ही मारे, मुठबाजी में पड़े हुए। जब तक आप हस्तमथुन से बाहर नहीं निकलोगे, वीर बर्बाद करना कम नहीं करोगे, तब तक आप लाइफ में फोकस नहीं कर पाओगे। जब भी थोड़ा एनर्जी आएगी तुम मार के बैठ जाओगे, मुठ्ठ मार के बैठ जाओगे, वीर बाहर निकल जाए, घंटा कुछ कर पाओगे लाइफ में। तो बहुत से लोग कहते हैं संतोष भाई हमें तो लत हो गई यार, बिना दिन भरे में एक बार हस्तमथुन किए ना, हमको चैन नहीं मिलता, हमको नींद नहीं आती, हमको ऐसा लगता है आज हमारा दिन खराब जा रहा है। भैया बंद कैसे करें, इसको कैसे बंद करोगे बता है,
कुछ करना नहीं है। अगर तुम डेली मार रहे हो, डेली तुम अगर हस्त मैथुन कर रहे हो, तो एक दिन का गैप करने का प्रयास करो। नींद आए चाहे ना आए, भाड़ में गई नींद, एक दिन का गैप रखने की स्टार्ट करो। उसके बाद 2 दिन का गैप रखो, उसके बाद हफ्ते में 1 दिन करो, उसके बाद महीने में 1 दिन करो। अगर महीने में 1 दिन अगर आप हस्त मैथुन करो, कोई दिक्कत नहीं है। डेली अगर आप मार के पवार दे रहे हो ना, कमजोर हो जाएगा, लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे बे, पहचान नहीं बना पाओगे, सिर्फ मुठ्ठल जैसी पहचान बना के रह जाओगे। अगर आपने हस्त मैथुन बंद कर दिया, समझ लो आपको एक मेडल मिल जाएगा, आपको अंदर से बहुत खुशी होगी, काहे बिना आप ताकतवर हो रहे, मजबूत हो रहे, बवाल मचाई दोगे। और जो लोग कर रहे हैं ना, कुछ कर नहीं पाएंगे, उनका दिमाग ही यही है कब मौका मिले, कब कोना पकड़े, मारे सट्ट से। और आप कुछ भी कर सकते हो, आप अगर ठान लो, जिद्दियाए जाओ ना, हस्त मैथुन और मुठ्ठ क्या चीज है, कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी छोड़ सकते हो। तो अरे भाई, 3 मेजर रीजन था जेकर वजह से लोग अपना वीर नष्ट कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, इसे फेंक दे रहे हैं। अबे शादी वादी के बाद वीर की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो उसको बचाए के रखो। अगर सब खोखा हो जाओगे, एकदम खाली कर दोगे, तो लाइफ का एंजॉय कैसे कर पाओगे, मजा कैसे ले पाओगे। और जिसके अंदर पावर रहते हैं, खुश रहता है, मस्त रहता है, जेकर पावर ही ना है ना, वो साला चिड़चिड़ापन लेके घूमता रहता है। तो हाँ हमारे भाई, अगर आपको अपने लिए वर्कआउट प्लान या डाइट प्लान चाहिए, तो आपको सिर्फ 199 रुपया पे करना होगा। स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा हमारी टीम का, देसी जिम फिटनेस टीम का, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको अपने लिए वर्कआउट प्लान या डाइट प्लान मिल जाएगा, और आप उससे अपना जो है फिटनेस गोल अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बवाल मचाते रहो, वीरवान बनो, बवाल मचाओ।